ATM मशीन से कैश विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कार्ड को स्लॉट में डालना है और चिप वाला जो हिस्सा होता है इसे ऊपर करके कार्ड में को जो है स्लॉट में डालेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको डोमेस्टिक चूज कर लेना क्योंकि आप इंडिया के अंदर ही कैश विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ आपको बैंकिंग सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश चलिए। उसके बाद 10 से 99 के बीच कोई भी नंबर आपको दबाना है, तो चलिए हम किसी भी को दबा लेते हैं, यस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका पिन मांगा जाएगा, जो भी आपका पिन रहेगा उसे सिंपली एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कैश विड्रॉ लिखा हुआ है, कैश विड्रॉ पर क्लिक करना है, अकाउंट सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट। उसके बाद आपका जितना अमाउंट एंटर करना है 100 से लेकर जितना भी ऊपर कर सकते हैं, तो चलिए हम 10,000 एंटर करके यस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारा प्रोसीजर ले रहा है, अगर 10,000 से कम विड्रॉ करते हैं आपके तो ऐसे ही विड्रॉ हो जाएगा। अगर 10,000 तक करते हैं उसके बाद आपके फोन पे एक OTP जाएगा, रजिस्टर्ड फोन नंबर जो रहता है उस पर एक OTP जाता है। तो चलिए हमारे फोन पे देख लेते हैं इफ रिसीव OTP, और यहाँ देखिए एंटर OTP लिखा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे फोन पे OTP रिसीव हो चुका है, उस OTP को लिखने के बाद ये ऑटो वेरीफाई कर लेते हैं और ट्रांजेक्शन प्रोसीड ले रहा है। तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है कि हमारा कैश जो है काउंट हो रहा है। तो चलिए कुछ सेकंड वेट करते हैं, मशीन जो है यहाँ हमारा कैश काउंट करता है, यानी कि जितना भी कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं उसे मशीन एक बार वेरीफाई करके उसके बाद जो है किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड करता है। कम से कम 10 सेकंड लगते हैं कैश विड्रॉ, जो ये देख सकते हैं कैश काउंटिंग हो गया और ये हमारा कैश निकल गया। और यस पे क्लिक करेंगे तो आपको अमाउंट दिखा दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा। तो हम सिंपली नो पे क्लिक करेंगे, कार्ड रिटर्न मिल गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब।